खबर पौड़ी से, मथुरा में अंतर्राज्यीय गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार। फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर ठगे थे 11 लाख। पुलिस ने 11 लाख की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को रविवार को मथुरा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा। गैंग के सदस्य कम ब्याज पर लोन दिलाने और लोन की रकम दोगुनी करने का लालच देकर लाखों की साइबर ठगी को अंजाम देते थे। SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया, बीती 10 अप्रैल को कुल्लू भवारी निवासी एक महिला ने पौड़ी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर कम ब्याज दर पर लोन देने और लोन की धनराशि को दोगुना करने के नाम पर उनसे 11 लाख की धोखाधड़ी की, जिस पर कोतवाली पौड़ी में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस टीम का गठन करने पर जांच में सामने आया, लोन दिलाने वाली ये गैंग बिहार राजस्थान से संचालित हो रही है। पुलिस टीम द्वारा अलग अलग प्रदेशों में दबिश देकर मथुरा निवासी हरुण पुत्र सपत को मथुरा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। कोतवाली पौड़ी में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि एक गैंग के द्वारा उनके साथ 11 लाख की साइबर धोखाधड़ी कर ली गई है। जांच करने के उपरांत हमने ये पाया कि ये गैंग मथुरा और मेवात से ऑपरेट करती है और ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। ये पहले लोगों को बहलाते हैं कि आपको हम लोन देंगे और सस्ती दरों पर लोन दिलवाने के नाम पर उनसे पैसे की मांग करते हैं। तो इस धोखाधड़ी के आधार पर हम लोगों ने कोतवाली पौड़ी में मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इस गैंग के मुख्य सदस्य को हमने मथुरा से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।